बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों का गठबंधन है। इस गठबंधन की गांठ को जो ढीला करेगा उसको जनता चुनाव के बाद फिनिश कर। उन्होंने कहा ना कि 58 सीट एक लोकसभा का सीट देंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो नाराज नजर आ रही है। कांग्रेस नाराज होगा, कांग्रेस को पूरे देश में चुनाव लड़ना है। हम सिर्फ बिहार में लड़ते हैं, हम उनसे जाते हैं दूसरे राज्यों में तो नहीं मांगने जाते हैं कि हमको सीट दीजिए। अरे झारखंड है बिहार ना, तो यहाँ तो दरिया दिल्ली और उदारता कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस की कितनी किसकी शक्ति है ये सबको पता। तो ताकत जनता की हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी हम लोग मिल करके NDA को हराने में अपना ताकत लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं। अब कुछ लोग इधर उधर की बात करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अरे जनता के मूड और मिजाज को समझे। बिहार से जब जीतेंगे तभी ना कांग्रेस को फायदा मिलेगा पूरे देश में। झारखंड में हराए ना, इसलिए तेजस्वी यादव जी तैयार है बिहार की जनता। इस बीच में जो बाधक बनेगा उसको जनता साइड किनारे कर देगी। गए उपेंद्र कुशवाहा छोड़ करके, उछल करके, कूद करके, 24 घंटा में पूरा पार्टी आ गई RJD। अब हाथी पे चढ़ के वो तेजस्वी यादव का बराबरी नहीं कर पाएंगे। जो तेजस्वी यादव जी को ऊंचाई मिला हुआ है, बिहार की 12 करोड़ जनता ने अपने कंधों पर चढ़ा कर रखा है, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी का नेता है सदन में, नेता विरोधी दल है। और नया नया इनको हाथी मिल गया, हाथी पर चढ़ के कह रहे हैं। एक गाँव में कहावत है उखड़ी पर चढ़ करके बराबरी करना। LJP का चिरागे बुझाने में सब लोग लगा हुआ है। और चिराग जी को सोचना है कि चिराग तले अंधेरा में रहना है कि चिराग का लव बढ़ाना है। वहाँ गठबंधन में पहले नाव भरा हुआ है 12 करोड़ जनता से, और जनता तैयार होगी तो सबको करेंगे। बिहार का जिसमें भला होगा वो सब काम करेंगे जनता के आशीर्वाद से।